प्रभु चावला सीधी बात में आज बारी है भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस बीएन खरे की। खरे साहब अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनकी खरी खोटी ने इस सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। क्या इनके बयान भविष्य में भी सरकार को परेशानी में डाले रखेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं खरे से ही सीधी बात। चीफ जस्टिस साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप 17 महीने चीफ जस्टिस रहे, आपको क्या लगता है जो कार्यकाल आपका बड़ा संतोषजनक रहा या कुछ तकलीफ भी हुई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा कार्यकाल बहुत संतोषजनक रहा और जो मैं करना चाहता था लिमिटेड टाइम में हमने बहुत कुछ किया। जो आपने टारगेट अचीव करने थे वो कर लिए? हाँ, मैंने बहुत से जो थे किया। करने को तो बहुत चीज़ें इतनी बाकी हैं कि वो अनंत हैं वहाँ पे। तो जो लेकिन जो मुद्दे सामने मेरे आए उनको मैंने सॉल्व करने के प्रयत्न किया। मतलब जो कुछ करना चाहते थे ज्यादातर कर लिया? हाँ हाँ, कुछ अभी रह गया उसके बावजूद भी। करने को तो बहुत है लेकिन हमने संतोष ये है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लगता था कहीं ना कहीं दुखी हैं आप? जी हाँ, दुख तो लगता ही है जब समाज में इस तरीके कुछ होता है तो दुख तो बड़ा रिवोल्टिंग होता है वो। तो आप दबे हुए थे जब तक आपको रिटायरमेंट का मौका मिला, तभी आपने अपना गुस्सा निकाल दिया? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं निकाला, हमने जो सत्य था उसको मैंने कहा। गुस्सा कोई नहीं, मेरा गुस्सा किसी से नहीं है। नहीं, सत्य अगर आप दोबारा से बताएं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, तो इस तरह से जो स्तंभ बने हुए हैं उसमें जुडिशरी आपको लगता है काफी आप स्ट्रांग हो गई है या कमजोर हुई है? नहीं, जब मैं आया था तो जुडिशरी थोड़ी सी स्लाइटली लो लेवल पे थी, क्योंकि कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब उंजाब में कुछ हो रहा था। तो मैंने पहली मेरी प्रायरिटी थी कि रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन जुडिशियल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मुझे है कि मैं काफ़ी सक्सेसफुल, मैं सफल रहा हूँ। आपने जैसे पहले चीफ जस्टिस जैसे मांगा कि जुडिशरी के अंदर भी कुछ गड़बड़ थी, परंतु ये क्यों नहीं, आपके कार्यकाल में किसी जज के खिलाफ कोई भी क्यों नहीं हुआ? हमने तो ले लिया एक्शन, दो जज ने कुछ किया, हमने रिजिग्नेशन ले लिया। मतलब रिजिग्नेशन नहीं हुआ, हो गया। पंजाब वाली की बात कर रहे हैं? ये तो अभी की बात कर रहे हैं, पहले वो राजस्थान का जज ने रिजाइन किया, दिल्ली वाले ने रिजाइन किया। तो जो पंजाब में जो कुछ हुआ था अभी? नहीं अभी नहीं, मैं पहले वो तो वो हमारे पहले हो गया था, वो कृपाल साहब और पटनायक साहब उस वक्त मैं चीफ जस्टिस नहीं था, उन्होंने एक्शन किया, उस वक्त मैं नहीं था चीफ जस्टिस। अभी जो चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ अभी? हाँ, आप था, आपने समन किया? हाँ, मैंने समन किया, हमने उनसे कहा कि जो आप कर रहे हैं ट्रेड यूनियन की कोई जगह नहीं है जजेस के अंदर। कल तो उन्होंने अपनी गलती माना, उन्होंने कहा मैंने मुझसे गलती हुई, आइंदा इससे गलती नहीं हुई। कुछ जिस तरह से फेवरेटिज्म है, आप कहते हैं कि मीडिया वाले भी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लेते हैं, पॉलिटिशियंस लेते हैं, तो वहाँ चंडीगढ़ में ऐसा ही कोई केस था कि मेंबरशिप लाभ ले रहे हैं जजेस के ऊपर, कोई जजेस के ऊपर हम कुछ लोग बोले तो कॉन्टेम्प्ट हो जाता है? नहीं, तो वो जो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि भाई ये मुफ्त की मेंबरशिप क्यों ले रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने मास लीव ले लिया। उन्होंने अभी पहली बार ऐसा हुआ कि मास लीव जजेस लिए हो, और बिल्कुल गलत था। इट हैज अफेक्टेड द इमेज ऑफ द जुडिशरी। मुफ्त की मेंबरशिप, ऐसे और भी केसेस होंगे दिल्ली में या कहीं? हाँ, हो सकता है। मैंने आपके कोलीग्स ने में भी मेंबरशिप हो सकता है, हो सकता है, देयर आर ब्लैक शिप्स। तो आपने कोशिश नहीं की कि कोई आपकी कोर्ट में बैठे हुए लोग जिन्होंने जजेस ने कुछ ले रखी हो मेंबरशिप, पता करने की कोशिश की कि नहीं? मेरे पास कोई माध्यम नहीं, किससे मैं इंक्वायरी कराऊँ? कोई मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। अगर कोई लिख के देता है तब मैं करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि ऐसी है तो इस वजह से नहीं। कोई हमारे पास एज ए इंस्टीट्यूशन आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आपको लगता नहीं कि जजेस को वॉलंटरी चीफ के पास देना चाहिए किस क्लब की मेंबरशिप उन्होंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने तो कहा कि जजेस शुड बी लाइक सीजर्स वाइफ, एवर सस्पिशन। अगर जरा से भी अगर सस्पिशन हो गया तो पीपल, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। मैं तो उस चरित्र की बात कर रहा हूँ। पर जजेस को आपने कहा सीधे अबाउट देश भी सीधे एक सर्कुलर पास, क्योंकि हो क्या रहा है कि हर चीफ जस्टिस ने आपके बारे में, क्योंकि पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया कि सीबीआई या इनकम टैक्स का कोई भी रेड किसी जज के खिलाफ नहीं गई, वो जुडिशियरी छोटे लेवल में भी होगा जब तक चीफ जस्टिस ने परमिशन नहीं दिया। ऑलरेडी यहाँ पे 94 रामास्वामी का जब हुआ था तभी ये डिसीजन लिया गया था उस वक्त। मतलब जजेस के घर में रेड करने के लिए चीफ जस्टिस ने परमिशन इंडिया से? हाँ, उस वक्त 94 की बात है, उस वक्त लिया गया था। तो अभी चल रहा है, कोई ऐसा मॉडिफिकेशन के लिए नहीं आया कि इसको मॉडिफाई किया जाए।
तो उस वक्त से चला आ रहा है। तो सेल्फ करेक्शन तो होना चाहिए ना। हाँ, सेल्फ करेक्शन आपने शुरू किया एकदम कि आप सेल्फ करेक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल सेल्फ करेक्शन लगता नहीं कि इन हाउस प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया है, लेकिन उसकी वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसकी मॉरल अथॉरिटी है उसमें, लेकिन उसकी जो लीगल सैंक्शन जो है नहीं है। कल वो कोई जज कह सकता हुआ ड्यू टू आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट परमिट चीफ जस्टिस टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एयरिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको लगता नहीं था कि ये सब आपको जो अभी पता लगा कि आपके पास पावर्स नहीं है जी? हाँ। तो जजेस को ठीक करने की, यानी कि आप ही उसकी एक्सप्रेशन कॉल कर सकते हैं, तो आपने सत्ता या एग्जीक्यूटिव से पावर मांगी क्यों नहीं? मैं लॉ मिनिस्टर से कहा, प्राइम मिनिस्टर से कहा, और मैं क्या कर सकता हूँ? हमने लॉ मिनिस्टर से कहा गिव मी द पावर। आपने लिखी चिट्ठी भेजी? दोनों अक्सर आते थे मिलने, मैंने कहा उनसे, हमने बल्कि उनको समझाया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल वो तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हाँ, 124 और 217 में है कि बाय इम्पीचमेंट। अब कोलिजन का ज़माना है तो 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट बड़ा मुश्किल है। कभी कभी जो इम्पीचमेंट दो ग्राउंड पे हो सकता है, मिसबिहेवियर आर इज नॉट फिट, तो आप कुछ शॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा जैसे स्ट्राइक पे चले गए, तो इसको करेक्ट करने के लिए इम्पीचमेंट ना करके हम कोई चीज़ उनको थोड़ा हाँ कर लेते कुछ हम तो एलिमेंट ऑफ फियर भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी समवन टू जज द जजेस आल्सो। जजेस के ऊपर कोई डिसिप्लिन अथॉरिटी नहीं है? कोई नहीं है, इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया लॉ मिनिस्टर से कि यू एम्पावर द चीफ जस्टिस एंड हिज फोर जजेस टू कॉन्स्टिट्यूट ए परमानेंट कमेटी। अभी आपने उनसे बात की या पहले कभी की? पहले, अभी तो इलेक्शन में हुआ है। अभी मतलब अरे तीन चार पाँच छः महीने पहले कहा, 7-8 महीने दो तीन बार मैंने कहा। और प्राइम मिनिस्टर से भी कहा? अब वहाँ कोर्ट्स में अब उन्होंने हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर से कहिए, लेकिन अब वो 2/3 मेजॉरिटी का आता है, इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी इस वजह से। आपने जब उनसे लॉ मिनिस्टर? हाँ, लॉ मिनिस्टर से हमने कई बार कहा, एक नहीं कई लिख के नहीं भेजा आपने? नहीं, लिख के क्या भेजा? अगर वो मांगते मुझसे राय लेते तो मैं लिख के देता, लिख के ऐसे तो मैं दे नहीं सकता जब तक अनलेस दे आस्क फॉर द सजेशन। कोई वॉलंटरी सजेशन देना भी ठीक नहीं है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जजेस एट द मोमेंट आपको लगता है कि लॉ से ऊपर हैं, उनके खिलाफ? नो नो जज इज अबव लॉ, नो बडी इज अबव लॉ। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपका अभी सुझाव है? मेरा ये है, करा दे, मुझको अगर पावर दे देते तो मुझको आज भी मुझे विश्वास है 24 घंटे में सब खत्म ठीक कर दूंगा, 24 आवर्स हमको नहीं लगेंगे। लेकिन आई एम हेल्पलेस, की क्या करूं मैं उनके लिए? आप ये तो मान रहे हैं ना कि जजेस को कंडक्ट को? हाँ, ये सब क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हैं। हाँ, बिल्कुल हैं बिल्कुल, बट डिग्री वैरीज, कहीं ये कहीं कहीं दो हैं, कहीं इस तरीके से हैं, तब डिग्री वैरीज। तो जुडिशरी की साख गिरी है ना जुडिशरी? बिल्कुल साख गिरी है, लेकिन हमारे जज को मैं इम्पोर्ट तो नहीं कर सकता, इसी समाज से तो आते हैं, जिस समाज में मैं और आप हूँ, इसी समाज से। इस वक्त क्या पोजिशन है समाज की हमारे? अब चीफ जस्टिस साहब, आपको लगता है ना जिससे जो जजमेंट आई, ट्रांसफर ऑफ जजेस जजमेंट आई है, उसके बाद सरकार का तो कोई उसके अंदर रोल ही नहीं है अपॉइंटमेंट करने का? आप ही लोग अपॉइंट करते हैं, चार लोग बैठ के कर लेते हैं, जो कोलिजियम फैसला करता है वही बन जाता है। ये तो 5-6 साल से, ये जजेस तो बड़े पुराने हैं, अभी जिनके खिलाफ अभी केसेस आए हैं वो सब नए ही है, जो हाईकोर्ट में करप्शन केस जिन छोटे में अपॉइंट हुए थे, अभी जो दिल्ली में जो केस हुआ था वो तो बात की अपॉइंटमेंट, तो जो अभी तक जो चंडीगढ़ में 2-3 केस थे वो भी पुराने नए थे। आप तो आपको लगता है कि जुडिशरी को जजमेंट जो है अपॉइंटमेंट करने की, वो तो एब्सोल्यूट पावर आप ही के पास है? प्राइमेसी है, प्राइमेसी है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि अप्रूव नहीं, मतलब उनके उनके निगाह में ठीक नहीं है, तो हमको रिफर बैक करते हैं और मैं उनको वेटेज देता हूँ। तो चीफ जस्टिस, कितने जजेस अपॉइंट हुए उसके बाद, उनकी रेपुटेशन क्या है, प्राइमेसी का फायदा हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा छोटे से। ठीक ठीक बिल्कुल। इसी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे। खरे साहब बता रहे थे कि जिस तरह से आपको पूरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करने की जुडिशरी को, प्राइमेसी है, प्राइमेसी आपकी है, तो लगता नहीं कि पिछले कुछ सालों में गलत किस्म के लोग भी अपॉइंट हो गए हैं? मैं तो नहीं समझता, एकाध हो गए हों तो नहीं जानते, लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग के ज्ञान में कोई गलत नहीं हुआ है। अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की है पार्लियामेंट में, और अथॉरिटी आपके पास? मेरी अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट लेकिन प्राइमेसी मेरी रहती है कि अगर आप रिपीट कर दें तो उनको करना पड़ेगा, वो रिटर्न कर सकते हैं,
और फिर जब फिर मैं रिटेट करूं तब वो करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जिसको आप चाहेंगे अपॉइंट करना उसको ये सरकार रिजेक्ट नहीं कर सकते। नहीं रिजेक्ट नहीं, ये सरकार जो है उसके खिलाफ आईबी इंक्वायरी कराती है, प्राइम मिनिस्टर की आईबी इंक्वायरी होती है, स्टेट लेवल पे लोकल इंटेलिजेंस तीन जगह से इंक्वायरी होती है। जब वो ठीक हो जाता है तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आता है, फिर हम अपनी फिर इंक्वायरी कराते हैं। आपके पास तो कोई सिस्टम नहीं है। हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हर कोर्ट के जजेस यहाँ रहते हैं, तो उन जजेस के द्वारा मैं इंक्वायरी कराता हूँ। फिर सब लगता नहीं कि इसी वजह से जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी आज भी हाई कोर्ट्स में हैं 150 से ऊपर, क्या कारण है उसका? नहीं, इस प्रोसेस में बड़ा टाइम लगता है। तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं एज हेड ऑफ द जुडिशरी। हमारे सामने खरे साहब के जमाने में 150 वैकेंसी खाली हैं। नो भाई, ऑलरेडी हमारे 48 रिकमेंडेशन पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। तो जो वैकेंसी आज हैं उसके लिए जिम्मेवार सरकार है या जुडिशरी है? नहीं, सरकार है, उसमें इंक्वायरी नहीं हो पाती, जल्दी करा ही नहीं पाते वो। पॉलिटिकल मोटिव होते हैं उसके? नहीं नहीं, पॉलिटिकल इनएक्शन। ये कोई मालाफाइडी नहीं, मैं कोई मालिस नहीं, इनएक्शन, जैसे हर जगह इनएक्शन है। देखिए होता है सरकार पॉलिटिकल सौदेबाजी करती है कि आप मेरा आदमी ले। मेरे समय में कोई ऐसा सरकार ने कोई सौदेबाजी किया ना, किसी तरीके का प्रेशर मेरे ऊपर लाई, कभी किसी तरीके का कोई बात नहीं किया उन्होंने। बस ओनली हम जो समझते हैं इनएक्शन, पड़ा है पेंडिंग है, पेंडिंग है, बस यही होता है और क्या। तो आपको इसी वजह से केस भी पेंडिंग है इतने सारे अंदर, आपने 49,000 केस क्लियर किए पर 50,000 नए आ गए, इसका मतलब 50,000 है, 50,000 हमने किया, दो जजेस शॉर्ट। टोटल नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, 1,000-1,500 बढ़ गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 13.5 जजेस पर 10 लाख हैं हमारे यहाँ कंट्री में, जो कि मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इंक्लूडेड हैं, 13.5 जजेस 10 लाख पे। अमेरिका और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में 135 से 150 हैं पर 10 लाख। अब बताइए 13.5 क्या का? अच्छा, जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है उसका जो है उससे बर्डन ऑफ जुडिशरी इंक्रीजेज, तो जिस प्रपोर्शन में जब आप कोई एक्ट पास करें उसी प्रपोर्शन में जजेस भी आप भी बढ़ाना चाहिए। पर लगता नहीं कि जजेस आज के जैसे आपके यहाँ भी हाई प्रोफाइल केस है जिसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो उसके ऊपर आप लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हैं? नो नो नो, बाकी केसेस हमारे यहाँ नो हमारे यहाँ बिल्कुल सीरियस। हम लोग प्रायोरिटीज इंडिकेटेड है, प्रायोरिटीज में ये है कि पहले केस जो है क्रिमिनल केसेस होंगे दुधवानी जेल, फिर चीफ जस्टिस जो एक्सपेडाइट कर देता केसेस वो आएंगे, फिर पार्ट हट केसेस आएंगे, इस तरीके से मेरे यहाँ पार्टी है। जैसे गुजरात है पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव केस, आपने उसको फटाफट केस किया, फटाफट मैं हर चीज फटाफट करता हूँ। बाकी केसेस भी पेंडिंग पड़े हैं पेंडिंग, पहले के जो आपने नो 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 99 तक पे सब हमने खत्म कर दिया, 98 शुरू हो गया है। अब बताइए 2002 के है ना गुजरात के, तो ये तो पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मतलब पॉलिटिकली सेंसिटिव केस आप जल्दी ले लेते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, जल्दी ले लेते जब वहाँ पे जब वकील तारीख मिलती है कि आप जिस दिन काउंटर फाइल के उस दिन काउंटर फाइल किया, उन्होंने फाइल उस दिन उस पर बहस हो गई। आप इतने दुखी थे, सब सारा देश दुखी था, आप भी दुखी थे। हाँ, पर लगता नहीं लोगों ने एक मजाक में कई बार कह दिया कि अब तो मैं थोड़ा लिबर्टी ले सकता हूँ, किसी ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, कि चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस गुजरात की तरह बिहेव कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कर रहे थे। ये उनका परसेप्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मोदी साहब ने ये भी कह दिया खरे साहब को खरा और खोटा का बंधन नहीं पता, अब वो कुछ भी कहें, लेकिन हमने जो किया है वो जब मैंने देखा कि राजधर्म निभा नहीं रही है, मैंने उनसे बल्कि ऑब्जर्वेशन भी मैंने किया था कि द स्टेट हैज टू फंक्शन टू डू इट। दो उनके धर्म होते हैं, एक तो प्रोटेक्ट द पीपल स्पेशली द वीकर पीपल, दूसरा टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स। तो मैंने देखा फर्स्ट में नहीं जाता प्रोटेक्ट किया नहीं किया, लेकिन सेकेंड में मैंने देखा कि शायद वो फेल कर गए थे, वो सरकार एज इंस्टीट्यूशन फेल कर गई थी। तो इसलिए मैंने डबल रोल लिया उसके अंदर, एक तो मैंने प्रोसिक्यूट द सुप्रीम कोर्ट पे डबल रोल टू प्रोसिक्यूट द मॉनिटर द प्रोसिक्यूशन एंड डिसाइड ऑन जुडिशियल साइड। आपने वहां गुजरात के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लिया, क्यों सारा देश उसके अंदर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की बात नहीं, कोई बिहार में जो हो रहा है उसमें कोई बिहार नहीं। अगर बिहार का कोई केस आवे तो मैं फौरन उसको ले लेता। बॉर्डर केस आपके सुप्रीम कोर्ट में आया था, आपके सामने नहीं आया होगा? नहीं नहीं, कोई केस ही नहीं। क्रिमिनल्स जो हैं, मैं तो चाहता था कि कोई आवे और मैं ठीक करूं उनको भी, देश के कहीं आवे मैं करूं।
ऑर्डर स्कीम तो कब का चल रहा है, वो उनके वो झारखंड में ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो मेरे तो आज तक कोई वहाँ पीआई प्रोसिक्यूशन और उसमें कोई कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अगर एक कोई आता तो मैं जिस तरीके से मैं इसके उसको मैं डील करता, एक नॉट ए सिंगल एप्लीकेशन वाज मूव्ड। तो आपको लगता है सारे क्रिमिनल केसेस जो आपके पास पड़े हुए हैं 98-99 तक आपने सॉर्ट आउट किए हैं? नहीं, क्रिमिनल केसेस तो अब लेटेस्ट आ गए 2001-2002 के हम कर रहे हैं। ये सिविल केसेस की मैंने बताया, सिविल केसेस पर लगता नहीं कि जुडिशियल का तो काम क्या रहेगा, ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म कि गन्ने का भाव भी आप तय करेंगे, पेड़ कहाँ लगेंगे ये भी आप तय करेंगे, सीएनजी भी आप तय करेंगे, तो एग्जीक्यूटिव का रोल आप प्ले करना चाहेंगे? आज मैं बताता हूँ सब पे मैं बताता हूँ क्यों हम लोगों को खुशी नहीं होती जब मैं पीआईएल इंटरटेन करता हूँ, क्योंकि दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वर्क, इसमें कोई मुझको फायदा नहीं होता। जब मैं देखता हूँ कि स्टेट इज नॉट डिस्चार्जिंग देयर ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटी आर एनीथिंग, और असहाय आदमी कहाँ जाए वो? तो आपको लगता नहीं कि रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, लूटमार के केसेस हैं, इसमें कन्विक्शन कितना कम? बहुत बहुत कम हो गया है। उसके लिए बहुत जुडिशियल के सामने जो एविडेंस आएगी उस पर हम एक्ट करते हैं। आपने न्याय धर्म की बात की और राज धर्म की बात की, न्याय धर्म आप जुडिशियल काम हाँ, न्याय धर्म है, मेरा भी धर्म है, आपका भी धर्म है, सबका धर्म है। आपने न्याय धर्म जो राज धर्म का काम तो पॉलिटिशियन का है, तो आप उसके मेरा भी धर्म है, मैं भी कहता हूँ मेरा भी धर्म है। तो जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ इस देश के अंदर? अब गवर्नमेंट का काम है जुडिशियल रिफॉर्म करना, अब वो नहीं करते। आपने जैसे कहा कि जुडिशियल सर्विस बिल्कुल फाइनेंशियल आए, आपने इतनी सारी वैकेंसीज के लिए रिकमेंडेशन दे रखी हैं, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए भी आपने कड़े शब्दों में बोलना चाहिए ना था, आपको क्यों नहीं बोलते जब रिटायर होने के बाद? नो, पहले हम बोल नहीं सकते थे, पहले तो हम लॉ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से कह सकते थे, वो हमने कहा। अब मैं बिल थोड़ी ला सकता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कैन ही ब्रिंग पार्लियामेंट? आई हैव सेड यस, आई हैव सेड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर सर ऑल इंडिया सर्विस होना चाहिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं करूंगा, और लॉ मिनिस्टर से कई बार मैंने इस विषय में बात की। तो आप जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिलेड में विश्वास नहीं करते? नो, आई बिलीव इट जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, लेकिन कोई हमारे पास मशीन नहीं है कि मैंने हेड टॉस करके मैं कह दूं ये जीत गए ये हार गए। आपको यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। हमने उस दिन बल्कि प्रेसिडेंट साहब, हमने ऐसे ही प्रेसिडेंट से इंटरेक्शन हो रहा, सबसे हो रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन किया वेदर कैन डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आज जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो आज जो भी गलतियां हैं उसके लिए आप किसके जिम्मेदार हैं? क्यों नहीं, एग्जीक्यूटिव को, पॉलिटिशियन को या अपने आप? नहीं, सरकार को, हूएवर दैट मे बी, सरकार पॉलिटिशियन नहीं लेते हैं। मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ, मुझे पॉलिटिशियन से लेना देना कुछ नहीं। जुडिशरी को बीमारी है उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। देश गिव मोर जजेस रिफॉर्म, आपने बड़ी सीधी बात करी, सरकार सब चीज के लिए जिम्मेवार है। नहीं सब, अब देखते हैं आपके सक्सेसर कितने क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।